हाय, माय नेम इज शैली प्रिया और मैं बॉलीवुड विंडो के साथ एक सेगमेंट कर रही हूँ, दिस एंड दैट. सॉरी, मूवीज. अगर नया हो तो मैं नहीं बता सकती कि वो हिट शो है या नहीं है, बट क्योंकि मैंने अभी टेलीविजन बहुत किया है तो आई वुड रियली वांट टू गिव अ चांस टू मूवीज. अगर प्रायोरिटी वाइज कार्डियो, बट अगर मैं रेगुलर कर रही हूँ तो फिर वेट ट्रेनिंग. स्नीकर्स. मैं अभी तो मैं बिल्कुल स्नीकर्स ही प्रेफर करूँगी. प्रोटीन शेक. दिल्ली फूड और मुंबई फूड. दिल्ली फूड. दिल्ली फूड. हाँ, क्योंकि मैं दिल्ली में भी रह चुकी हूँ, बॉम्बे में भी रह चुकी हूँ, तो मुझे दिल्ली फूड ज़्यादा पसंद है. हाँ, सेट पे भी हमारे नाश्ते में इतना पाव आता है ना कि हम लोगों को समझ में नहीं आता आज पाव किसके साथ आया होगा, क्योंकि पाव तो आया ही होगा, अभी पता नहीं किसके साथ आया होगा. आइसक्रीम. वेल, मुझे मीठे का बहुत शौक है, मैं तो पागल हूँ मीठे के लिए. तो एंड स्पेशली मीठा, बाय मीठा आई डोंट मीन चॉकलेट और बेकिंग का कुछ सामान, बट मुझे इंडियन मीठा बहुत पसंद है, जैसे गुलाब जामुन हो गया, रसमलाई हो गई, ओह बाप रे, जलेबी हो गई. अभी कुछ दिन पहले एक सेगमेंट हुआ था जिसमें उन्होंने पूछा था कि आप क्या क्या चाहेंगे कि ऑडियंसेस कैसे इंजॉय करें, तो वैसे बोलते बोलते मैं खो गई कि और हाँ, आप लोग गुलाब जामुन खाइए, रसमलाई खाइए, जलेबी भी खाइए, और मैं चार पाँच ले लिया था. अब मैं कहता है क्या बोले जा रही हूँ, मैं कहा मुझे खुद नहीं पता, मैं खो गई थी. सो एनी स्वीट दैट इज़ इंडियन. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. और पहले रसमलाई गुलाब जामुन ज़रूर लेके आना, स्पेशली रसमलाई, आई लव रसमलाई, ओ माई गॉड. क्या मीठे से ही बाहर नहीं आ रही हूँ, आपने नमकीन भी ऐड कर दिया. पिज़्ज़ा. राजमा चावल या दाल चावल? प्लेन दाल चावल. प्लेन दाल चावल. हाँ. बीचेस और मॉल? बीचेस. शॉपिंग स्टोर और ऑनलाइन शॉपिंग? शॉपिंग एट स्टोर. टेक्स्ट मैसेजेस. मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप की हूँ तो आई बिलीव इन राइटिंग एंड सेंडिंग. व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम राइट नाउ. इंस्टाग्राम. प्लेन जीन्स और टोन जीन्स? टोन जीन्स. मूवी एट होम और थिएटर? मूवी एट थिएटर ऑफ कोर्स, क्योंकि मूवी का एसेंस वही है, बट मैं थोड़ी आलसी टाइप की हूँ तो घर पे. हाँ. वाटर पार्क और थीम पार्क? थीम पार्क. हाँ. न्यूट्रेला और पीनट बटर, दोनों ही पसंद बता सकते? क्या क्या आपने पूछा? न्यूट्रेलाइट? न्यूट्रेला. ओ, नटेला. नटेला ऑफ कोर्स. नटेला, मेरे रूम में नटेला का बड़ा सा डब्बा है, और मैं हमारे सर पे पाव आता है तो मैं पाव और नटेला खाती हूँ, तो नटेला. मुंबई और होम टाउन? मुंबई. मम्मी. मेरा घर का आधा काम ही रुक जाता है. अरे मम्मी अभी मेरे होम टाउन गई हुई है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ. शी इज इन होम टाउन, शी इज इन पटना राइट नाउ. बोर्ड गेम्स. बोर्ड गेम्स. आई लव टू प्ले चेस. सिंगिंग और डांसिंग? डांसिंग. डांसिंग कहा है तो एक मूव भी करना पड़ेगा. अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर मैं सिंगिंग ही बोल देती. अच्छा, गा ही देती हूँ मैं, क्योंकि इतने भारी मेरे में डांस कर नहीं पाऊँगी.
कोई सॉन्ग बता दीजिए, मैं वो गा दूंगी। कोई एक ऐसे पुराने सॉन्ग जो या नए सॉन्ग जो आपको तुरंत जुबान पर होते हैं या गुनगुनाते हो? हमें तो लूट लिया मिलकर, हाँ ये गा देती हूँ। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। थैंक यू। थैंक यू। मुझे वैसे कॉम्प्लीमेंट सुनने को बहुत कम मिलता है, बट थैंक यू इफ यू फाइंड माय वॉइस नाइस। वीडियो कॉल फटाफट हो जाती है बात। जिम नाइट पर्सन, दो की शिफ्ट लग रही है तो अभी तो मैं, अभी ऐसे दिन क्या है रात क्या समझ ही नहीं आ रहा है, बट अगर छुट्टी की बात हो तो आई एम अ नाइट पर्सन। रियल लाइफ में आई एम अ नाइट पर्सन। हाँ आई एम अ नाइट पर्सन। रात को, रात को कार। मुझे बहुत मज़ा आया, और स्पेशली मुझे वो मीठे वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा, और मैं दो क्वेश्चंस में उसी में खोई हुई थी। आपको पता नहीं मुझे मीठा कितना पसंद है, एंड ऑब्वियसली आप लोगों ने मुझे गाना गाने के लिए बोला, मुझे पता नहीं था कि मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिलेगा कि मैं गाती अच्छा हूँ, तो थैंक यू। हाँ प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे खुद भी सुनना है। गाने सुनती तो बहुत हूँ, गाने का उतना हुनर नहीं है मुझ में।